अरे चिल्लाना बंद करो, पहले वॉल्यूम कम कर लो। इतनी ऊपर जीन्स क्यों पहनी है? आप सोचो कि वो एक बात, आपके शब्द जो हैं, जो आपने लिखे हैं किसी के लिए भी, वो किसी और को कितना हर्ट कर सकते हैं कि उसको वो सारा प्यार दिखता नहीं है और सिर्फ वो लाइन दिखती है। कोई बात नहीं बेटा, एक दो क्वेश्चन, अगर 12th क्वेश्चन में लिखा नहीं होगा कोई बात नहीं बेटा, ठीक है बेटा। देखो मैं जो आपसे शेयर करना चाहती थी, ये मैं पिछले क्लास के बाद से ही आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। 44 राइट 2 रॉन्ग, वेरी गुड, वेरी नाइस बेटा। मैंने एक चीज लिखी हुई है बोर्ड पर, ठीक है, तो इररिलेवेंट कोई बात नहीं करूंगी, है ना, जो मैम की दिल की बात है, क्योंकि मैम जब तक अपनी बात आपसे शेयर नहीं करेंगी तब तक आपको पढ़ा नहीं सकती है, ठीक है। क्योंकि मैंने आज क्लास ले ली बट मेरे दिल में बहुत देर से हो रहा था कि मैं व्हेन एम आई गोइंग टू डिस्कस दिस विद यू, ठीक है। मैंने लिखा है शिक्षा आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो लेकिन संस्कार हमेशा घर से ही मिलते हैं। ये बहुत छोटी सी लाइन है बेटा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ना। शिक्षा आप कहीं से भी प्राप्त कर सकते हो बेटा, आपको नॉलेज कहीं से भी मिल सकती है। आप बुक्स पढ़ लो आपको नॉलेज मिल जाएगी, आप मुझसे पढ़ लो आपको नॉलेज मिल जाएगी, आप हमारे किसी भी एक्स वाई जेड फैकल्टी, सुपर फैकल्टीज या किसी से भी पढ़ लो, यू विल गेट दी नॉलेज। बट बेटा दी संस्कार दैट यू हैव दैट ऑलवेज कम्स फ्रॉम फैमिली। तो मैं पिछले वीडियो पे बेटा मैं आप लोगों के, ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ती हूँ बेटा, आई सी ऑल योर कमेंट्स, ठीक है। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ जो आप इस वीडियो पे करते हो या किसी भी वीडियो पे करते हो या मेरे इंस्टाग्राम पे मेरे किसी वीडियो पे या फोटो पे कमेंट करते हो, आई गो थ्रू ऑल द कमेंट्स, ठीक है। एंड मैं स्पेसिफिकली रीड करना चाहूँगी कुछ कमेंट्स, मैं कुछ कमेंट्स लेके आई हूँ, आई वांट टू रीड दोज कमेंट्स। मतलब आई फील वेरी बैड, और मतलब बेटा बुरा कब लगता है कि जब आप बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है, एंड आई एक्चुअली When you do a lot of efforts, तो हम आपके लिए इतनी efforts करते हैं, I think हर एक teacher आपके लिए इतनी efforts करता है ना बच्चों। मतलब मैं specially दो दो तीन तीन बजे तक, मतलब I literally changed 5-6-7-8 सवाल तो मैं ऐसे रखती हूँ जो मेरे खुद के बनाए हुए हों ताकि आपको NCERT की lines उसमें cover हो जाए, right? NCERT की lines उसमें cover हो जाए। Morning में बेटा 9 बजे class लेने के लिए मैम भी 7 बजे उठती हैं, है ना, 3-4 बजे सोते हैं, कभी कभी 7 बजे उठते हैं, सो दैट हम आपको कोई भी चीज आपको ना कम ना लगे, कहीं से भी बच्चों को ये ना लगे कि मैम ने कम मेहनत की है, राइट। ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि ऑल द स्टूडेंट्स आर लाइक दैट। मुझे पता है 1,00,000 व्यूज आते हैं अगर, या 80,000-90,000 या इतने व्यूज आते हैं, उसमें से अगर 2-4 बच्चे, यस इट इज ओनली 4-5 स्टूडेंट्स, अगर वो ऐसा कुछ खराब लिखते हैं, एंड नॉट ऑल्सो इसके बारे में कुछ खराब नहीं लिखते कि मैम आपने खराब पढ़ाया, ये कोई बच्चा नहीं लिखता। आई नो बच्चे क्या लिखते हैं बेटा कॉमेंट्स, अरे चिल्लाना बंद करो, पहले वॉल्यूम कम कर लो, इतनी ऊपर जीन्स क्यों पहनी है। और तुम मतलब फीमेल फैकल्टीज को बेटा, कितने मेल फैकल्टीज को यहाँ पे सुनने को मिलता होगा कि सर आपने जीन्स ऊपर पहनी है, या सर आपके बाल ऐसे लग रहे हैं, या आपका चश्मा ऐसा लग रहा है। बट आप लोग, यू पीपल, बट सम पीपल ये लिखते हैं फीमेल फैकल्टीज को बेटा ऐसे डीमीनिंग बातें, ठीक है, एंड दीज डीमीनिंग थिंग्स रियली 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 हर्ट बेटा। और मुझे पता है आप लोगों की मैम इग्नोर दीज कॉमेंट्स, है ना, तो इग्नोर, तो बेटा देखो इग्नोर करना इज नॉट अ सोल्यूशन, एंड आई नो कि जब तक मैं इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रही हूँ तब तक आई विल हैव टू डील विद दिस, राइट। आई नो देर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मुझे मेरे फ्रेंड्स कुछ बोलते हैं कि यार तेरे स्टूडेंट्स तुझे कितना प्यार करते हैं। आई नो मुझे प्यार करने वाले बच्चे बहुत सारे हैं, बहुत सारे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, आई नो दैट, आई नो। बट बेटा जब आप रिसीविंग एंड पे होंगे ना, जब आपको ऐसे सुनने को चीजें मिलेंगी, इवन एक या दो, ठीक है, इतना ऊपर जीन्स कौन पहनता है, अरे मैम हल्की लिपस्टिक लगा लो, बेटा तो फिर तो मैं आप ही से पूछ के आ जाती हूँ कि बेटा मुझे बाल कैसे बनाने चाहिए, बेटा मेरे को मैं लिपस्टिक लगा लूँ, बेटा मैं क्रीम लगा लूँ, तो मैं बेटा आप ही से पूछ लेती हूँ कि मुझे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है। दीज कॉमेंट्स दैट यू पुट ऑन अ टीचर्स वीडियोज, दिस हर्ट्स, स्पेशली तब हर्ट करती है जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, दिल टूट जाता है, मन नहीं होता कि, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मन ही नहीं होता कि क्लास लूँ। मतलब मैं आपकी क्लास में आके इतनी जोश के साथ मैं पढ़ाती हूँ, अर्जुन बैच में मैं पढ़ाती हूँ, उसमें मैं फुल जोश के साथ फुल एनर्जी के साथ बोलती हूँ, और जो मुझे कॉमेंट्स सुनने को मिलते हैं ना, जो भी 2-4 बच्चे लिखते हैं कॉमेंट्स, अरे चिल्ला चिल्ला बाद में लेना पढ़ा लो, आज भी कर रहे थे मैम चिल्ला कम लो पढ़ा चिल्ला बाद में लेना पढ़ा लो। बेटा मैं चिल्ला रही हूँ या कैन यू नॉट सी माई एफर्ट्स दैट आई एम डूइंग फॉर यू, कैन यू नॉट सी माई
मतलब मैं जो इतना हार्डवर्क आपके लिए कर रही हूँ, यू थिंक कि आप हार्डवर्क कर रहे हैं, आप यहाँ आ रहे हैं, डू यू थिंक कि हम लोगों के आपकी क्लास लेने के पीछे कितनी एनर्जी, कितनी मेहनत, कितना कुछ जाता है, राइट? वो हजार कमेंट्स मुझे पता है, वो हजारों लाखों प्यार उसके बीच में, लेकिन वो दो चार डिसरिस्पेक्टफुल बातें, डिमीनिंग बातें, ठीक है? मतलब अगर कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहा, बेटा सोचो कि मेरी मदर भी ये वीडियोस देखती है, राइट? मेरी मदर भी ये कमेंट्स पढ़ती होगी, शी नोस दैट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स लव मी, राइट? बहुत सारे बच्चे मुझे प्यार करते हैं, बट बेटा मेरी मदर भी जब वो कमेंट्स पढ़ती होगी ना, तो उनको लगता होगा कि स्वाति हाउ शी हैंडल्स ऑल ऑफ दिस एट टाइम्स। बेटा हम भी, वी ऑल्सो ब्रेक डाउन, राइट? हमें भी बुरा लगता है कि यार हम किसको पढ़ा रहे हैं, यार किसको पढ़ा रहे हैं जिसको बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं है, जो मेरे वीडियो पे आके ही और शी हैज द ऑडेसिटी टू स्पीक एनीथिंग, बेटा एनीथिंग। फिर मुझे लगता है कि मैं किसके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ यार। प्रोफेशन बहुत सारे होते हैं बेटा, बहुत सारे, और मुझे पता है कि मेरा ये टॉपिक एड्रेस करने से, मुझे पता है कि मैं हर किसी की सोच को नहीं बदल सकती, आई नो दैट, बट इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं इस चीज को आपके सामने डिस्कस करूँ। ये मेरे लिए बहुत जरूरी था क्योंकि मेरे अंदर था, और अगर बेटा इससे दो चार जो अच्छे बच्चे हैं एटलीस्ट, ठीक है, ये बहुत बारी बेटा बहुत सारे टीचर्स ने भी आपके साथ, मेरे ख्याल में अलग सर ने भी आपसे ये चीज बोली थी कि आप लोग टीचर्स को इतना डिसरिस्पेक्ट करते हो, हाँ इतनी डिसरिस्पेक्टफुल बातें करते हो। बेटा ना रात में जग जग के एनसीईआरटी की लाइंस में से आपके लिए क्वेश्चंस बनाती हूँ। मैं आज इतना डिमोटिवेटेड फील कर रही थी क्लास आंसर में, आई नो, अगेन आई एम सेइंग, आई नो कि वो दो चार ही बच्चे हैं, अगर 100,000 बच्चों में से दो चार बच्चों का रेशियो देखोगे तो वो कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंग। बट बेटा आप सोचो कि वो एक बात, आपके शब्द जो हैं, जो आपने लिखे हैं किसी के लिए भी, वो किसी और को कितना हर्ट कर सकते हैं कि उसको वो सारा प्यार दिखता नहीं है और सिर्फ वो लाइन दिखती है, वो चीजें हर्ट करती है। ये तब बेटा आपको पता चलेगा जब आप उसी जगह पे होंगे और आपको वो चीज बोली जाएगी और आपको इतना बुरा फील होगा क्योंकि आपने मेहनत की थी किसी और के लिए, आपने जोश में बोला बच्चों के लिए, आप पढ़ाने के लिए आए बेटा। Everybody gets paid for what they are doing, बेटा सबको सैलरी मिलती है, but बेटा that doesn't mean that I will be accepting all the hatred that you are giving me, not you बेटा, a few people, ठीक है? I know ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुत प्यार करते हैं, ठीक है? मुझे पता है, I can see that all over my Instagram and all over my YouTube, मुझे पता है प्यार करने वाले बच्चे बहुत सारे हैं, ठीक है? तो थोड़ी सी मैम इमोशनल हो गई थी, लेकिन अभी भी जोश कम नहीं हुआ है बेटा, ठीक है? आई लव यू ऑल, ठीक है? आई लव यू ऑल, हेटर्स को भी मेरा डबल प्यार बेटा, ठीक है? बट बेटा जीवन में मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ये बोलती हूँ बेटा कि यार डॉक्टर भी बन जाओगे, इंजीनियर भी बन जाओगे, टीचर भी बन जाओगे, मॉडल भी बन जाओगे, सिंगर भी बन जाओगे, लेकिन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है टू बी वेरी काइंड, टू बी वेरी हम्बल, टू बी अ वेरी नाइस ह्यूमन बींग, क्योंकि वो आज के डेट में मिलना बहुत मुश्किल है बेटा, ठीक है? एंड जो आप करोगे बेटा, कर्मा ऑलवेज कम्स बैक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है बेटा, ये सब चीजों के लिए नहीं है बेटा, ये इसलिए है ताकि आप मेहनत करो, डॉक्टर बनके दिखाओ, स्वाति मैम को प्राउड फील कराओ, ठीक है बच्चों? ठीक है, यस आई लव यू ऑल बेटा। तो मैं सादा सेशन को बढ़ाऊंगी नहीं आगे, ठीक है? यस, सादा सेशन को आगे नहीं बढ़ाते हुए बेटा, ठीक है, मैं यहीं पे आज की क्लास एंड करती हूँ, ठीक है? आप पढ़ते रहो बेटा, ठीक है? अगर जैसे कि और कुछ नहीं बेटा, मैम लास्ट में स्पीचलेस हो गई है, मेरे दिल की बात मैंने आपसे बोल दी है, बट बेटा डोंट फील कि ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रही हूँ जो मुझे प्यार करते हैं। मुझे पता है, मैं कॉमेंट्स अभी भी देख रही हूँ, मैं घर जाके भी कॉमेंट्स देखूंगी, मुझे पता है जनसंख्या 99% ऐसे लोगों की है जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और ऐसा मैं नहीं बोलती, ऐसा मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे सब लोग बोलते हैं मुझे, बट बेटा those 2-3 comments मेरे लिए बहुत important था address करना, and hence I did it, but rest बेटा I love you all बेटा, ठीक है? आप पढ़ाई करते रहें बेटा, all the very very best।